टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी चाहिए? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखो टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी चाहिए इस पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप टेस्ट एनालिसिस के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज अ वेरी ग्रेट इनफैक्ट थॉट, राइट? क्योंकि द थॉट्स विच यू क्रिएट इन एवरीडे लाइफ इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, राइट? तो अगर आपने टेस्ट एनालिसिस के लिए थॉट प्रोसेस जनरेट करने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है, और उसको लंबे समय तक जब तक हमारा एग्जामिनेशन हो नहीं जाता जेई एडवांस या जेई मेन का, तब तक हमें ये टेस्ट एनालिसिस वाला पार्ट हमेशा करना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन वेरियस स्टूडेंट्स है ना इन माई ऑफलाइन कोचिंग स्ट्राइक एंड एज वेल एज इन ऑनलाइन ऑल्सो, और जिनको मैंने इंस्पायर किया कि भाई आप टेस्ट एनालिसिस करो, एंड आई हैव सीन ट्रेमेंडस चेंज इन देम, देयर वर्किंग, देयर नंबर्स, इनफैक्ट जो उनका काम करने का तरीका है वो टेस्ट एनालिसिस के बाद उस काम करने के तरीके में भी बहुत सारा चेंज आ जाता है, राइट? और थॉट प्रोसेस में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आता है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाता है, राइट? क्योंकि जैसे जैसे चीजें इंप्रूव करती हैं वैसे वैसे बढ़िया होता जाता है, ठीक है ना? अगर हम लर्निंग की बात करें यार दोस्तों, है ना, तो लर्निंग की बात करोगे तो इसको आप अलग अलग ब्रैकेट में बांट सकते हो। जैसे एक तो लर्निंग हो गई कि भाई जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो दैट इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, आप उससे डायरेक्ट सीख रहे हो, और उसको सीखने के बाद उसको अप्लाई कर रहे हो इन योर होमवर्क। होमवर्क में अप्लाई करने के बाद फिर जब तुम वहां से जो कोई क्वेश्चन नहीं होता है देन यू डिस्कस इट विथ मी, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार इसमें मैं क्या लैग कर रहा था या कहां मेरी गलती हो रही थी, जिससे आप उस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख जाते हो। बेसिकली ये आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम सही कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जिसमें हम ऐसा हो सकता हो कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम अपने टीचर से डाउट पूछने के बाद उस तरह के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई बात करे कि सर क्या क्लास के लेक्चर्स ही अपने आप में टोटल सोर्स ऑफ लर्निंग हो सकते हैं, आंसर इसको क्लास के लेक्चर्स अपने आप में टोटल सोर्स ऑफ लर्निंग नहीं हो सकते, बट दिस इज डेफिनेटली अ बिगर पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट? अभी हम इसको ऐसे समझे कि एक लेवल में थ्योरी जैसे कि हमने पढ़ लिया, और थ्योरी पढ़ने के बाद अगर मैं सोचू लर्निंग के बारे में, तो हम एक पर्टिकुलर लेवल तक ही उससे हम लर्न कर पाएंगे, एक लेवल से बियॉन्ड हम उसमें नहीं जा पाते। लेकिन जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन चीजों का एप्लीकेशन करने लगते हैं, तो एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें भी क्लियर हो जाती हैं जो थ्योरी में शायद मुझे क्लियर नहीं थी, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ्स में तो क्या ही थ्योरी होती है, तो ये उनका मिसबिलीफ है, और शायद वो सही तरीके से लोगों को गाइड भी नहीं करना चाहते हैं ना, सिर्फ उनको सिर्फ बहकाना चाहते हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे से ऑफलाइन में मिलते हैं जो 11th 12th में पढ़ रहे होते थे, मेरे से नहीं मतलब किसी और टीचर से, एंड दे जस्ट केम एंड से मी कि सर क्या हो रहा था कि हमें पहले बताया जाता था कि देखो ऐसा आया तो ऐसा कर देना, ऐसा आया तो ऐसा कर देना, इस सिचुएशन में ये कर लेना, उस सिचुएशन में वो कर लेना, और उनको भी सारी सिचुएशंस नहीं पता होती थी, चार पांच होती थी, वो चार पांच बता के चल जाते थे, और जब कोई दूसरा डाउट पूछ लेते थे हम उन सिचुएशंस के अलावा, तो फिर वहां पे वो भी सोचने लग जाते थे कि इस सिचुएशन में क्या करें। मतलब बेसिक से थॉट प्रोसेस कभी भी हमारा डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन जब आप पढ़ाते हो तो हमें लगता है कि यार हम भी इसमें विजुलाइज कर पा रहे हैं, हम भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हम भी एनालाइज कर पा रहे हैं कि सिचुएशन में हमें क्या कैसे करना है। बट मेकिंग श्योर अगेन कि सिर्फ और सिर्फ वो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल चीजें जो हैं वही सिर्फ लर्निंग का टोटल पार्ट नहीं हो सकती जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आए, तो दिस इज वन लेवल ऑफ लर्निंग। लेकिन जैसे ही आप टेस्ट में अपियर होते हो यू अगेन फील कि जो यार मेरी लर्निंग थी शायद वो कम पड़ गई, रीजन बीइंग कि आपके नंबर उस लेवल के नहीं आए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो डेफिनेटली आपके नंबर आने चाहिए थे, लेकिन नंबर नहीं आए इसका मतलब उनके हिसाब से आपने पढ़ा नहीं था। दिस इज अगेन अ रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है ना? पढ़ना लिखना होमवर्क कंप्लीट करना रिविजन करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना इज अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा था तो आपका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कहने का मतलब कि ये जरूरी नहीं है ना कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा तो आपका टेस्ट नंबर बहुत अच्छा आ गया, या फिर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपका टेस्ट का नंबर बिल्कुल ही खराब हो जाए, है ना? क्योंकि टेस्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप ऑन द स्पॉट क्रैक करने वाला बच्चा जो है बहुत बढ़िया कर पाता है। यानी कि जैसे कि एक चीज हम बोल सकते हैं क्या कि इफ वी गो बाय द फंडामेंटल ऑफ टेस्ट, तो सबसे पहली चीज है कि टाइम लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए अगर जो पेपर हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए, है ना, विद इन एन आवर मैथ्स का पेपर, यानी कि हमें अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का दिया जा रहा है 3 घंटे के लिए, उसी को अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चों 4 घंटे के लिए आपको मिल रहा है ना, तो 4 घंटे के लिए जैसे ही मिल रहा है, जैसे ही मैंने बोला
तो बहुत सारे बच्चों की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है और सुधर सकती है। अगर मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारे पास 5 घंटे का समय है इस पेपर को करने का, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, और फिर मैंने उनको 5 घंटे के लिए वो पेपर दिया, तो बोलेंगे हाँ सर मेरी परफॉर्मेंस शायद और थोड़ी सी सुधर जाए। रीजन मीन क्या है, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जबकि हम अमूमन देखते हैं क्या कि असाइनमेंट जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये जो टाइम वाला पार्ट है ये गायब रहता है। तो जब आप टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो अब आपको पता चलता है कि पूरे टेस्ट का क्या कवरेज रहा, क्या हमने वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए जो मुझसे उस टेस्ट के टाइम में हो सकता था। इसलिए टेस्ट एनालिसिस करते हुए जो पॉइंट नंबर 1 हमें दिमाग में रखना है कि वो सारे क्वेश्चंस हमसे क्या पूरे टेस्ट में अटेम्प्ट हो गए जो हमें सही में हमें आते थे या मैं टेस्ट में कर सकता था। क्योंकि दो तरह के सेट ऑफ सवाल होंगे, एक तो वो सवाल है जो हमें आते थे या हम कर सकते थे, समझ में आएगा, और हमने कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आते थे बट टेस्ट में मैंने देखा नहीं या मैं ढंग से रीड नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैंने नहीं किया। और कुछ ऐसे सवाल डेफिनेटली हो सकते थे जो मुझे नहीं आते थे और मैंने शायद छोड़ दिए, है ना। तो एनालिसिस करने के बाद आपको ये कैटेगरिकली पता चलता है कि आपने किन किन चीजों को कैसे किया। तो एनालिसिस करते समय सबसे पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए कि जितने क्वेश्चन हमें आते थे, है ना, उनमें से मैंने कितने कर दिए और सही कर दिए, और उसमें से कितनों को मैंने गलत किया, और कितने ऐसे सवाल थे जिसको मैंने टच ही नहीं किया, छोड़ ही दिया, है ना। तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि यार ये कर सकता था और इतना ही आया, एंड नाउ दिस इज द गेम, दिस इज द टोटल गेम, कि जितना मैं कर सकता था वो मुझे अचीव कर रहे हैं। क्योंकि होंगे टेस्ट में कुछ ऐसे सवाल जो आपसे उस टाइम पे तो नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है, तो उन सवालों के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो उसके कारण आपका पूरा परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। तो जैसे ही आप टेस्ट एनालिसिस हर एक टेस्ट का करने लग जाते हैं तो अगेन आपको एक सेंस डेवलप हो जाता है जब आप टेस्ट में जाते हैं या जब आप टेस्ट करते हैं कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई है। क्योंकि जब आप नंबर गेम पे आएंगे इन क्वेश्चंस का देखने के बाद एनालिसिस के टाइम में, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार इतने नंबर आ सकते थे बट मैंने इतने ही नंबर फेच किए। तो अगली बार जब आप जाओगे तो आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी देन प्रीवियस टेस्ट कि यार मुझे इस बार क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और जब ऐसे आप टेस्ट एनालिसिस करते करते जब आगे बढ़ते जाते हो, है ना, इन योर जर्नी, तो देन देयर कम्स ए टाइम जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि टेस्ट में मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कौन सी क्वेश्चन को कितनी जल्दी छोड़ना है, एंड दैट गिव्स यू अप, कहते हैं ना, मार्क्स, जो कि आपको भी विश्वास नहीं होगा स्टार्टिंग ऑफ जर्नी में कि इतने मार्क्स आप अचीव कर सकते थे। तो इसलिए टेस्ट एनालिसिस में सबसे पहली चीज तो मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि बस आप अभी क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना चालू कीजिए। साथ ही साथ अब ये देखिए कि उस गिवन टाइम में मैंने ऐसे कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए जो एक्चुअली मैं कर सकता था, है ना। तो अगर इन दो चीजों पे अगर अभी आप पकड़ बना लीजिए नेक्स्ट 2-3 टेस्ट में और इतना करना चालू कर दीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे आ सकते हैं और फिर बात कर सकते हैं कि अब टेस्ट एनालिसिस में हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अगले 2-3 टेस्ट में ये जरूर ट्राई कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, फिर और कैसे नंबर बढ़ाने, फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। राइट गाइस, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।